आज से कई साल पहले 2001 में हिंदी सिनेमा जगत की सबसे बड़ी फिल्म गदर एक प्रेम कथा रिलीज होती है। इस फिल्म ने कमाई के मामले में धुआंधार कमाई की, साथ ही इस फिल्म ने रिलीज के साथ ही कई सारे रिकॉर्ड भी बनाए, जिन रिकॉर्ड को तोड़ पाना बॉलीवुड के सभी बड़ी फिल्मों के लिए काफी मुश्किल भरा रहा। फिल्म के अगर अहम किरदारों की अगर बात करें तो सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी जैसे बड़े कलाकार इस फिल्म में नजर आए। इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन पर आधारित इस फिल्म की कहानी को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया, साथ ही इस फिल्म के गाने भी सुपर डुपर हिट रहे। और आज हम इस फिल्म से जुड़ी पांच अनसुनी बातों को आपके सामने रखने वाले हैं। सबसे पहली बात, 19 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म ने 133 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। ये फिल्म भारत के सिनेमा घरों में से सबसे ज्यादा देखे जाने वाली फिल्मों में से तीसरे नंबर पर आती है। जी हां, आपने सही सुना, दूसरे पायदान पर है बाहुबली 2 और सबसे पहले नंबर 1 पर आज भी है सलमान खान की फिल्म हम आपके हैं कौन। कलेक्शन की रकम टिकट की कीमत की वजह से कम और ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा बार सिनेमा घर में हम आपको हैं कौन फिल्म को देखा गया है। दूसरी दिलचस्प बात, गदर फिल्म में सनी देओल के बेटे का किरदार निभाने वाला चरणजीत दरअसल में उत्कर्ष शर्मा है और वो इस फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे हैं, जिन्होंने बॉलीवुड फिल्म जीनियस से डेब्यू किया था, जिस फिल्म को साल 2018 में रिलीज किया गया था। तीसरी दिलचस्प बात, इस फिल्म की कहानी पूरी काल्पनिक नहीं है, बल्कि ये ब्रिटिश आर्मी से रिटायर सिख जवान बूटा सिंह की असली जिंदगी से मिलती है। बूटा सिंह ने पार्टीशन के समय एक मुस्लिम लड़की को बचाया था और दोनों में प्यार हो गया था। फिर दोनों की शादी हुई, लेकिन बाद में लड़की को पाकिस्तान भेज दिया गया था और बूटा सिंह गैर कानूनी तरीके से उनकी पत्नी को वापस लाने पाकिस्तान भी गए थे, लेकिन उनकी वाइफ ने परिवार के प्रेशर की वजह से भारत आने से मना कर दिया और बूटा सिंह ने ट्रेन के सामने कूद कर अपनी जान दे दी थी। चौथी दिलचस्प बात, फिल्म में अनिल शर्मा पहले गोविंदा और काजल को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन इसके पहले उन्होंने गोविंदा के साथ महाराजा फिल्म बनाई थी जो फ्लॉप साबित हुई, इसलिए उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। पांचवी और आखिरी दिलचस्प बात, आमिर खान की लगान और गदर दोनों एक ही दिन रिलीज हुई थी और दोनों फिल्मों को फिल्म फेयर में 9 नॉमिनेशन में मिले थे, लेकिन लगान उसमें से 8 अवार्ड जीत गई थी, लेकिन गदर को सिर्फ एक ही अवार्ड मिला था। सनी देओल का मानना था कि उन्होंने अच्छी एक्टिंग की थी, इसलिए उन्हें अवार्ड मिलने चाहिए थे और इस बात से खफा होकर सनी देओल ने अवार्ड शो से किनारा कर लिया था।